करेंगे ट्राई, क्वेश्चन दे दिए मैंने। मगर कर लिए। इसके यस सर, अलावा घर के अलावा किसने किए हैं? चलो देखो चारों मैच करियो आंसर। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो बताया जो एच प्लस है वो डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है और ओ एच पे भी अटैक कर सकता है। तो मैं ढूंढनी है मोस्ट मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये क्वेश्चन आईआईटी में काफी बार आए हुए इस टाइप। ये क्लियर है कि नहीं? यस अब सर, पहले केस में ज्यादा ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी होगी जो ज्यादा स्टेबल कार्बन कटायन देगी, सही ना? तो अगर एच प्लस ने इस पे अटैक किया तो तुम्हें पता है कि जो कार्बन कटायन बनेगा उसके दो ही हाइपरकंजुगेशन होंगे। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? ये यस सर, इसलिए अटैक कहाँ होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये चीज बनेगी। ये बनाएगा क्या?
यस सर, यही कर है। हाँ सर, यही यही कर रहा है जानना। अब उसके बाद ओ लोन पेयर दे देगा, तो कितने की रिंग बन रही है? छह की एक, बन रही है। दो, तीन, चार, पांच, और एक ऑक्सीजन आएगा, छह। ओ जैसे ही लोन पेयर देगा, ओ प्लस एच आएगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन से जोड़ रहा हूं मैं, छह की रिंग, ऑक्सीजन पे प्लस एच हट गया है, और जो नेगेटिव था, नेगेटिव पे तो यहाँ पे नेगेटिव आना था, यहाँ पे एच प्लस आ गया है। इस प्लस के साथ 2 Me जुड़े हुए हैं। क्या क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं? ये यस सर, निकाला करो आंसर, यस सर। बिल्कुल सही है। अब उसके बाद फिर दोबारा ढूंढेंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब कौन सी ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, डबल बॉन्ड की OH? OH OH, क्योंकि यहाँ टर्शियरी कार्बोडाइन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा एच प्लस को, तो यहां से एच टू बाहर निकल जाएगा, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, और यहाँ प्लस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस साइड? इधर गए इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, चेक करो एक बार। ये बनाया नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, देखो ये है यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव एक जगह रह जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा। और ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बॉन्ड बनने के बाद मान लो ये नेगेटिव था, इसके पीछे रहा होगा पॉजिटिव, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव का जो बॉन्ड बनाया, उस पॉजिटिव पे 2 Me है। क्या क्लियर है ये? बस ये नेगेटिव हटा रहा हूं मैं यहां से, यस सर। ये आ गया। अब हिमांग बता, इसमें रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं? अब नहीं, गलत तू बता। सर नहीं होगी। हाँ, रीअरेंजमेंट एक तो नहीं होगी, और दूसरा एच कहां से हटेगा? यहां से हटेगा, एक मिनट रुकेंगे। एच यहां से हटेगा या एच फर्स्ट हटेगा, एच सेकंड हटेगा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला हटेगा, क्योंकि हाई पोजीशन ज्यादा है, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। ये क्लियर है आंसर कि नहीं? यस सर, इन क्वेश्चंस को तुमने अगर प्रैक्टिस नहीं किया ना, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं मैं कुछ अलग से करा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया ना, कोई फायदा नहीं होगा फिर। अगर सही था आंसर पूरा, यस सर। नेक्स्ट वाले का आंसर प्लस आ गया सीधा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये सीधा यहाँ प्लस आया, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइड पे, ये आ गया प्लस। प्लस आने के बाद एच कहीं से भी तुम लगा दो, एच यहां से लगा दो, एच यहां से लगा दो, एक ही बात, वो एक ही बात है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो एच यहां से लग करके आंसर ही आ जाए, यही इनका आंसर। यस सर, कोई शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं इस वाले में, तो आंसर निकाल लिया। क्या आंसर बना इसमें? बेंजीन। बिल्कुल सही है, प्लस यहाँ आएगा, एच यहाँ से हट जाएगा, प्लस यहाँ आएगा, एच यहाँ से हट जाएगा, प्लस यहाँ आएगा, एच यहाँ से हट जाएगा, आंसर आएगा बेंजीन। चारों सही करते रहे, यस सर, और किसी के सही हुए ये? नहीं, चलो तीन चार क्वेश्चन और लिखने हैं। डिहाइड्रेशन बिल्कुल सिंपल वाला खत्म हो गया, उसके बाद ना एक ऐसा डिहाइड्रेशन एक और करेंगे, डिहाइड्रेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर दो रिएक्शंस कवर होंगी। मैंने पिनाकोलोन रिएजमेंट करा दी क्लास में,
यस सर। फिर चलो फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन भी करा दिया उसके, क्वेश्चन यस सर। हो चुके हैं। सर वो तो चलो आपने फिर फ्री दो तीन रेडिकल क्वेश्चन दूंगा कराते वक्त करा दिया था ना, फिनाकोल एसेलोइन वगैरह। पिनाकोल टू पिनाकोलोन, और ये एसाइलिन पिनाकोलोन दे, हाँ कंफर्म मैंने करा दिया पूरा। हाँ सर। चलो फिर पिनाकोलोन नहीं कराऊंगा मैं, अगर हो चुका है तो सही ना, एक दो क्वेश्चन दूंगा फिर आगे करेंगे, सही है। यस अच्छा इसके लिखेंगे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, खत्म कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन चलो एक दो ये लिखो क्वेश्चन, ये कुछ सही है, देखो आंसर कौन निकालता है इसमें रीअरेंज करके। ओ एच, और इसमें डाला कंसंट्रेटेड एच प्लस, फिर कंसंट्रेटेड एच प्लस, और इसी क्वेश्चन को ना अगर मैं ऐसे दे दूं, सेम चीज है बिल्कुल, ये ओ एच और एक ओ एच ऐसे, और इसमें एच प्लस डाल दिया, ठीक है ना, इसमें एच प्लस डाल दिया तो क्या होगा। इसके अलावा ले लेते हैं थर्ड, इसमें सोचो इसमें क्या आएगा। पीएच, और इसमें डाला है डाइल्यूट एच प्लस, डाइल्यूट एच प्लस का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट एच प्लस का मतलब क्या होगा इधर, फिर समझ नहीं आया क्वेश्चन, CH2 ऐड भी, ये क्वेश्चन है पूरा। अब तू मतलब थर्ड इसमें वाले डाइल्यूट में एच प्लस का मतलब है कि सर। थर्ड मतलब डाइल्यूट एच प्लस का मतलब समझ नहीं आया, बताऊं क्या बताना है इसमें। डायलूट एच प्लस का मतलब होता है कि तेरे को एच प्लस तो ऐड करना है पहले, उसके बाद वाटर भी ऐड हो, ठीक है सर। ठीक है, इसको ट्राई करना है। इसके अलावा ले लो ये, बाकी चलो ये तो इजी पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सोचो क्या होगा। करो निकालो आंसर के,
घर हो गए सारे। यस सर। और किसने किया है? घर पहले का आंसर क्या है? सर 5 की रिंग 6 की रिंग दोनों फ्यूज्ड। बस यही आंसर। मतलब टोटल आंसर कितने हैं इसमें? और एल्कीन बनाया था। कितने आंसर टोटल? तीन। टोटल तो सर 3 आएंगे। सही। स्ट्रक्चरल की सीरियो। स्ट्रक्चरल देखो प्लस आया पहले, यहाँ पे यहाँ प्लस आ जाएगा पहले, ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, ये चीज आई। देखो ये आएगा प्लस में, आएगा कि नहीं? यस सर। और उसके बाद ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, पांच की रिंग और एक छह की रिंग आ गई साथ। क्या ये आ जाएगा? यस सर। अब अल्फा डिजन चेक कर लो। अल्फा डिजन यहाँ पे, ये तीन जगह से आ गए, यस सर। तो एक आंसर मेजर ये वाला, क्योंकि इसमें कितने हैप पोजिशन है? आठ। यस सर। और एक आंसर ये, एक आंसर ये आ जाएगा, एक मिनट रुको। एक आंसर ये, छः छः की रिंग ऐसे, ये आएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, अगर क्या इसके सीरियो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? स्टीरियो 1 सेकेंड सर, सोच रहा हूँ। हाँ सर करेंगे। ये कार्य सेंटर देख, काइरल सेंटर भी और कहीं से सिमेट्री भी नहीं आ रही। तो इसलिए टोटल आंसर कितने बोलेगा सीरियो के साथ? 5। हाँ, ये और किसी का सही हुआ क्या? अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज किया? ऊपर से नीचे, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस आया? एक एक्स्ट्रा OH आ गया वहां पे। एक एक्स्ट्रा ओएच आ गया। अब तुम्हें बताना है ये, गर्भ के अलावा किसी का सही हुआ है कुछ आंसर इसका? मैं तुम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है इसमें, मतलब। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हाँ, क्या चेंज किया है? ऊपर से ओएच लगा दिया मैंने। अब पहले उसमें देखेंगे किस ओएच पे अटैक होगा। सर लेफ्ट साइड वाले पे होगा। हाँ, पांच की रिंग पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि तो चार की रिंग में प्लस तो हाईली स्ट्रेंड रिंग होती है ना। पांच और छह में तो फिर भी हम प्लस मान सकते हैं, ये आ सकता है। यहाँ प्लस आ जाएगा कि नहीं? यहाँ प्लस आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? यस सर। तो ये जुड़ गए, पांच की रिंग, पांच की रिंग, और इससे ये बॉन्ड टूट करके जुड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये प्लस आ जाएगा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, डबल और बॉन्ड फाइनल है। आंसर आ जाएगा। हाँ, स्पाइरो टाइप का कंपाउंड आएगा।
ना स्पायरो कंपाउंड आ जाएगा, एक कार्बन से दो रिंग जुड़ी हुई है और साथ में डबल बॉन्ड हो, क्लियर है कि नहीं है? यस यही सर, निकाला आंसर, यस सर, दो और किसी निकाला आंसर ये, और ये पिनाकोलोन बनाया है यहाँ पे। नेक्स्ट सर इसमें आ रहा है PH C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH PH। सी एच सी बॉन्ड हो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच पी एच, ये हाँ सर, देखते हैं एक बार। प्लस आएगा यहाँ पे, पहले कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पी एच सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच, प्लस इधर आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, यस सर, उसके बाद एच टू अटैक करेगा इस पे, यस सर, ओएच लगा दूं डायरेक्ट, हाँ सर, फिर वो डॉटोमराइज कर जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सही है, सी ओएच आएगा यहाँ पे एच टू अटैक कराने के बाद, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच पी एच, इसके बाद ये इनोलिक फॉर्म है, टोटोमराइज करके पी एच सी बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच पी एच, कंजुगेटेड आ गया पूरा, क्या समझ आ गए? यस सर, लास्ट वाले में प्लस आएगा यहाँ पे, हाँ सर राइट साइड चला जाएगा कार्बोकैटायन। राइट साइड जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर प्लस आ गया ऐसे, आ जाएगा कि नहीं? यस सर, तो फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड डबल बॉन्ड रिंग, समझ आ गया कि नहीं? यस सर, तो बाकी तुम में से किसी ने निकाला आंसर क्या? ये तुम लोग अगर ट्राई नहीं करोगे फायदा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इनसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। 11th वाले बच्चे, चित्राक्ष क्लास में, आदित्य, तुम लोग आंसर ही नहीं बोल रहे, कोई भी क्रेश आंसर नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, क्रेश, हिमांग, विधि, तो मेरे इंटरनेट थोड़ा भी खराब चला, तो क्वेश्चन भी ठीक से नहीं दिख रहे मुझे, अभी ये हिमांग प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस रही करिए कुछ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ढंग से। है। यस सर, मतलब कर तो पा रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा आपके पास मेरे से। चल चलो नेक्स्ट देखना, ये नवीन क्लास में नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट देखना फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करना है सीन। ये ट्राई कर लो, ये इस टाइप का, ये सही क्वेश्चन ये होते हैं, डबल बॉन्ड भी है और ओ एच भी है। अब इसमें देखो क्या करते हो तुम, एच प्लस डाला है इसके, डबल बॉन्ड भी है और ओ एच भी है, और एक ये लेते हैं रिंग पे ओ एच, ओ एच ओ एच एच प्लस वाला, इसमें देखो क्या सोचते हो, ये दो क्वेश्चन सोचो जरा,
घर दोनों हो गए। अच्छा यस सर। और किसी ने किए हैं? देखो जरा, पहले केस में घाटा क्या है, डबल वन पे कि ओएच पे? सर डबल वॉन्ट पे ओएच पे क्यों नहीं? वो 4 की रिंग पे प्लस अनस्टेबल। बहुत अच्छे, 4 की रिंग पे प्लस अनस्टेबल है इसलिए डबल वन पे अटैक होगा। डबल वन पे जबकि हाइपर ट्रांजिशन वगैरह बहुत कम है तब भी, सही ना? ज्यादा न्यूट्रोफिलिक साइड डबल बॉन्ड को मानेंगे इसमें। और उसके बाद क्या किया? सर फिर रिंग रेज एक्सपेंशन हो एक्सपेंशन। जाएगी और ऑक्टेट कंप्लीशन हो हाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो और साथ में एमी। हाँ बिल्कुल सही है, ये चीज आएगी। यहाँ आ जाएगा प्लस और ये, और प्लस पे इलेक्ट्रॉन जब वो लोन पे दे देगा समझ आ गया कि नहीं? यस इससे नेक्स्ट में सर, राइट अब इसमें साइड ही अटैक कहाँ अटैक हो किया? जाए, राइट साइड हो जाएगा। इस पे रिंग पे कर सकते हैं लेकिन हाइपरजिशन कहाँ ज्यादा है? टर्शरी वाले पे मतलब जिसमें 2 ME है। प्लस यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है, प्लस यहाँ आएगा। प्लस यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यही किया ना? यस सर। प्लस यहाँ आ गया, ये इस टाइप से हुआ कुछ। प्लस और ये ऐसे, और उसके बाद 6 की रिंग ये वो लोन पे दे देगा, 6 की रिंग और डबल बॉन्ड। ये आया कि नहीं आंसर? यस सर। ये क्वेश्चंस क्लियर होगा सबको कि नहीं? अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं? इस केस में NH2 है, HNO2 डाला, सर सेम है ये भी क्या करेंगे? सर, N2+ बनेगा वो लीविंग ग्रुप बन के बाहर, फिर रिंग एक्सपेंशन और वो डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेनॉन आ जाएगा। सही, साइक्लोहेक्सीन ऑन आ जाएगा आंसर इसमें। अगर डाइजोरेजेशन का मैकेनिज्म मैंने करा दिया ना क्लास में, यस सर। प्लस आएगा, N2+ बनेगा पहले फिर प्लस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रिंग एक्सपेंशन होगा। डाइजोरेशन का मैकेनिज्म करा दिया ना क्लास में? सर वही पिनाकोल वगैरह के साथ करा दिया था इसका भी। अच्छा, उसमें टिल्डन ब्रेजन वगैरह बता दिया था ना, टिल्डन ब्रेजन। सर ये नहीं बताया था। जैसे मान ले RNH2 है, इसमें HNO2 NNO2 HCl डाल दे या फिर HNO2 डाल दे, बात एक ही थी है कि नहीं? यस सर। और इसमें अगर HNO2 डाल रहा है तो ये भी NO+ प्रोवाइड, HNO2 क्या प्रोवाइड करता है? NO+ प्रोवाइड करता है ना, NO+ डायरेक्टली जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि HNO2 जो है ये हमें मिलता नहीं है डायरेक्टली। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये एयर के थ्रू भी ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बना देता है, सही है? यस सर। तो NO+ का अगर जनरेट करना है तो HNO2 को बनाना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर, किसके थ्रू? इसके थ्रू, इसके थ्रू बनाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? HNO2 और वो N2+ NO+ प्रोवाइड करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल आता है इसमें नाइट्रोसोनियम आयन आता है NO+, ये बता दिया होगा मैंने, नाइट्रोसोनियम आयन ये अटैक करता है। मैंने तुम्हें कहा अगर NOCl में डाल दूं तो इसमें भी तो है NO+, तो इसमें आंसर आएगा कि नहीं?
इसमें आंसर देखो, आर एन टू प्लस इसमें भी बनेगा, इसमें भी आर प्लस बनेगा, लेकिन इस पे अटैक कर जाएगा सी एल माइनस, जो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल है, आर सी एल आंसर आता है, समझ गए कि नहीं है? टिल्डन रेजेंट इसी को कहते हैं, एन ओ सी एल को, ये बताया नहीं कर, सर अब कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं आ रहा। चल कुछ कर, ये टिल्डन रेजेंट है, उसमें भी एन ओ सी एल ही डलता है, एन ओ सी एल ही डलता है, लेकिन आर एन टू प्लस बनने के बाद सी एल माइनस अटैक करेगा, जैसे उसमें एच टू अटैक करता है ना, इसमें सी एल माइनस अटैक करता है। और ये डायोडाइजेशन में बताया होगा, ये मैकेनिज्म बताया है, जैसे अगर एनिलीन है, इसमें अगर मैंने एच एन ओ टू एच सी एल डाला या एन एन ओ टू एच सी एल डाला, एन एन ओ टू एच सी एल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और एक बार एन एन ओ टू एच सी एल डाला रूम टेम्परेचर पे, तो क्या आएगा आंसर दोनों केस में? सर पहले में तो वही BDC और दूसरे में क्लोरोबेंजीन। नहीं, दूसरे में फिनॉल, जैसे एलिफेटिक के अंदर बनता है ना, एलिफेटिक में क्या बनता है, हाँ OH लग जाता अल्कोहल ही तो है। बनता है, प्लस बन के इसमें भी H2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो हाई, ये तो अनस्टेबल है ना, बस ये तो बेंजीन ने कुछ रेजोनेंस दे दिया था इसलिए बनना ही। समझ यस सर, गए कि नहीं? यस सर। सर उसमें क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं आया? इसमें HCl तो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, इसमें Cl माइनस थोड़ी है। यस सर, समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। सेकेंडरी अमीन होता तो R2NH है, अगर उसमें NN2 HCl डाल दिया तो इसमें तो R2, ये तो है ना लिबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन, नहीं ध्यान, यस सर, इसमें आगे टॉटोमरेज नहीं होता ना, नहीं तो इसमें भी आगे रिएक्शन होती। जैसे अगर प्राइमरी अमीन होता है तो उसमें तो आर एन एच एन डबल बॉन्ड हुआ आता है, तो ये टॉटोमराइज कर जाता है ना, आर एन डबल बॉन्ड एन ओ एच, फिर एच प्लस बाहर निकलता है ऐसे, एच प्लस आर एन डबल बॉन्ड एन प्लस आता है कि नहीं है? इसमें तो यस सर। टॉटोमराइज नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए ये मिलेगा, और इसको ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, पता नहीं है, ये सब बताया हुआ ना इसमें। चलिए, इसका कलर नहीं बताया था जहां तक मुझे याद है। याद रखना एनिलीन जो अमीन्स होते हैं ना, ऑयली फॉर्म में होते हैं, एनिलीन भी ऑयल है, एनिलीन ऑयल है, और क्या जैसे बेंजीन के ऊपर सी ओ एच, ये वाइट सॉलिड होता है, C7H6O2, बेंजोइक एसिड क्या है, वाइट सॉलिड, नहीं बेंजोइक एसिड क्या है, वाइट सॉलिड, सही है? यस सर। चलो अब ये मैं हाथ तो करा दिया, अब हमें जो डायजोडाइजेशन वगैरह करा चुका हूँ, तो अब तुम्हें, और डायजोडाइजेशन में जब पिनाकुलोन लगाते हैं तो उसको सेमी पिनाकुलोन कहते हैं, सेमी पिनाकुलोन, सही ना, सेमी पिनाकुलोन। अच्छा अब ये खत्म हो चुका है, अब मेरे को नया मैकेनिज्म स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को ही स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन हुए तो कुछ मैं और करवा दूंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को नया जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सही ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट करेंगे। तान्या सर अब बस वही बचा है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं बचा। नहीं, नहीं यार बचा है अभी तो थोड़ा सा है, अभी ना क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक के फ्री रेडिकल समथिंग का एक मैकेनिज्म बचा है, ज्यादा वैसे बचा नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बचे हैं अभी क्वेश्चंस कुछ। हाँ, और सर मैंने भी एक डाउट भेजा हुआ है अच्छा मैं तेरा देखूंगा बाद में, पहले मैं इसको बताने भी ले लूँ डाउट, चाहिए? अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा ही है, मतलब वैसे बता सकूँ तो पहले बता देते। सही, अभी तो बताने का भी एक ही डाउट है यार, एक बार फिर या तो अभी आ जा दोबारा एक बार। हाँ सर, ठीक है, मैं आ जाता हूँ।